में हम समझते हैं कि बिजली कैसे बनती है और हम लोग तक कैसे आती है, और हमें अगर पोल की बिजली लग जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए, और क्या होता है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल, ट्रांसफार्मर जहाँ रखा रहता है उसके अगल बगल में पत्थर गिट्टी को क्यों बिछा दिया जाता है, और जहाँ बस लगाए जाते हैं बस भर के पास भी वहाँ पे पत्थर की गिट्टी वगैरह क्यों बिछा दिए जाते हैं। देखिए, बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए स्पीड की जरूरत होती है, तो करेंट के स्पीड को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, और टेक्निकल भाषा में हम उसे टेंशन कहते हैं। वोल्टेज ज्यादा तो उसी को कहते हैं हाई टेंशन। ऐसे टावर से हम हाई टेंशन करंट को ले जाते हैं, मतलब वैसा करंट जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो वोल्टेज पोटेंशियल या टेंशन ये क्या कहलाता है, स्पीड के करंट के स्पीड को दिखाता है। इसको ले जाने के लिए हमें जब 66 kV से ज्यादा करंट होता है तो उसे हमको टावर से ले जाने की जरूरत पड़ती है। जो टावर का सबसे निचला भाग है, यहां जो देख रहे हैं आप रेड कलर का, इसे टावर की बॉडी कहते हैं। बॉडी ऊपर जाके केज यानी पिजड़ा का रूप ले लेती है। इस रेड वाले में देखिए ये क्या हो गया, केज बन गया। केज का ऊपरी भाग जो कहलाता है वो पीक कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए सबसे नीचे क्या हो गया भाई, तो ये बॉडी केज और ये हो गया पीक। साइड में जहां लटका हुआ है उसे हम लोग कहते हैं आर्म। यहां रेड कलर का है, ये क्या है, आर्म है। इसी आर्म पर इंसुलेटर लटका दिए गए रहते हैं। आप यहां देखिए ये सब इंसुलेटर लटके हुए हैं, और इसी इंसुलेटर में तार को फंसा के ले जाया जाता है। वायर को इसमें नहीं फंसाते हैं वरना करंट इस पे चलाएगा। ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं उनको कभी कभी जमीन पे ही कस के उन्हें हेलीकॉप्टर से पुल कर लिया जाता है, और जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर ले जाके इन्हें फिट कर दिया जाता है। ये काम थोड़ा आसान होता है लेकिन इसका खर्च ज्यादा आता है। हालांकि इंडिया में जो ज्यादातर टावर्स बनाए जाते हैं उनको एक बार एक कर करके कसा जाता है, हालांकि इसे हेलीकॉप्टर द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह ले आके उसके ऊपर रख दिया जाता है, और वहां पर वर्कर उसको कस देते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के छोटे आकार का ACSR वायर का प्रयोग करते हैं। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। देखिए रेनफोर्स का मतलब मजबूती देता है, तो इसके बीच वाले भाग में ना स्टील लगा होता है। आप यहां देखिए तो इसके बीच में आपको स्टील दिखेगा, और ये स्टील जो है इसे मजबूती देता है और टूटने से रोकता है इसमें, क्योंकि स्टील का जो टेंशन होता है, इलास्टिसिटी होती है, वो ज्यादा होती है। और इसके बाहर ये हमें क्या लगाए रहते हैं लोग, भाई एल्यूमिनियम के कंडक्टर, और कई कंडक्टर को एक साथ मिलाकर मोटा किया जाता है। ट्रांसमिशन करंट ले जाने के लिए तो तांबे का तार अच्छा होता है लेकिन वो महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है लेकिन वो महंगा पड़ता है। तो हम अल्मुनियम का प्रयोग करते हैं। अल्मुनियम का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को कम करने के लिए उसे मोटा कर दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है हमको। इसे कैसे ACSR ट्रांसमिशन लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। दो टावर के बीच की जो दूरी होती है उसे हम स्पैन कहते हैं, और ये जो स्पैन होता है ये डिपेंड करता है कैसा एरिया है। ये 300 मीटर भी हो सकता है, और ये दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, घुमाव है या नहीं, या फिर पहाड़ी एरिया है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर सकता है। और ये भी डिपेंड कर सकता है कि इसमें कितने वोल्टेज का करंट है, तो ये जो स्पैन यानी दूरी है ये डिफर कर सकता है। अब जो स्पैन होता है, एकदम तार को लंबा खींच के नहीं ले जाया जाता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लंबा खींच देंगे और वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से वो तार को टूटने का डर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा झुका दिया जाता है। तो ऊपर से ये जितना झुका रहता है उसे हम कहते हैं सैग, और नीचे से जितना उठा रहता है उसे कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये ऊपर से झुकाव को हम सैग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था सैग कहां देखने को मिलते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको सैग देखने को मिलेगा, ऊपर से झुकाव को सैग कहेंगे। किसी भी ट्रांसमिशन टावर में सबसे ऊपर जो ले जाया जाता है वो अर्थिंग वायर को ले जाया जाता है। अर्थिंग वायर क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। अतः इस टावर पे अगर कहीं से ये जो केबल आ रहा है जिसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कहीं गलती से इस पे टच हो जाए और कोई आदमी अगर इसे छू लेगा तो मर जाएगा आदमी, इतना हाई वोल्टेज का करंट है, हाई टेंशन, इसलिए सबसे ऊपर ले जाया जाता है हम लोग को, अर्थिंग वायर, अर्थ वायर को ले जाया जाता है। और अर्थ वायर में याद रखिएगा इस तरह से इंसुलेटर नहीं लगाए रहते हैं, जैसे यहां देखिए यहां इंसुलेटर लगाया गया है, किसी भी फेज करंट में इंसुलेटर लगाया जाता है। लेकिन अर्थिंग वायर में इंसुलेटर नहीं लगाया जाता है, वो जानबूझ के उसको टावर से टच कर दिया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जितना भी आए वो इसको लेकर चला जाए। देखिए अर्थिंग वायर को चिपका देने से हमको टच पोटेंशियल से सुरक्षा मिल जाती है। टच पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, अगर किसी चीज में करंट है आप उसे टच कर रहे हैं तो टच करने से जो झटका मारता है उसे कहते हैं टच पोटेंशियल। ये टच पोटेंशियल कैसे आता है, मान लीजिए कोई तार टूट के इसमें टच हो गया, अब आप इसको नीचे से टच कीजिएगा तो आपको मार देगा, तो इस करंट को कहीं ना कहीं ले जाने की जरूरत है, इसलिए इसमें हम एक अर्थिंग वायर जोड़ देते हैं जो लेके अर्थ में चला जाता है और आपको टच पोटेंशियल नहीं मिलता है। लेकिन इससे स्टेप पोटेंशियल का खतरा कम नहीं होता। स्टेप पोटेंशियल मतलब होता है पैर रख देने से करंट मारना। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पोल है और यहां से एक तार गिर के यहां आ गया, अब बताइए ये वाला तो है यहां पर, अब इसके पास वोल्टेज बन जाएगा, ये जो है वोल्टेज
वोल्टेज का सोर्स बन जाएगा, वी फॉर वोल्टेज पोटेंशियल हो जाएगा। अब आप इस तार के जितना करीब रहिएगा उतने ज्यादा वोल्टेज मारेगा। तो मान लीजिए कि आप इसके करीब में है, तो करीब में ये मान लीजिए करीब में इसको सपोज कर लिए 80 है, अब बाहर में 60 है, और दूर जाएंगे तो कम होते जाएगा, एकदम सेंटर में मान लीजिए 100 है। अब आप इसमें जाइएगा, जैसे स्टेप रखिएगा तो करंट मारेगा, तो उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन देखिए ध्यान से, स्टेप पोटेंशियल कैसे मारता है, आपका एक पैर यहां रहेगा, मान लीजिए एक पैर यहां है, एक पैर यहां है, यानी एक पैर आपका 60 वाले में है, दूसरा पैर 40 वाले में है, तो कितने वोल्टेज का अंतर आ रहा है, 20। तो आपको 20 केवी के झटका से मारेगा। इससे बचने के लिए आप अपने दोनों पैरों को एक ही पास रख लीजिए। एक ही पास रखेंगे तो एक ही जोन में आपका पैर रहेगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा और आपको करंट नहीं मार सकता है। वोल्टेज में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा, करंट नहीं मार सकता है। तो आप समझ गए, टच पोटेंशियल से बचने के लिए हम अर्थिंग जोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप पोटेंशियल से बचने के लिए आपको दोनों पैर एक में सटा लेना है। अब फिर कैसे भागना है, तो ऐसे कूद कूद के भागना है, ताकि आपका पैर जब भी एक जगह पड़े तो सेम पोटेंशियल वाले एरिया में पड़े। फैला के भागेंगे तो मार देगा करंट, वहीं मर जाएंगे। देखिए, इस अर्थ वायर को हम लोग एक अलग टाइप के वायर से बनाते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। इस ऑप्टिकल ग्राउंड वायर को शॉर्टकट में OPGW कहते हैं। OP से मतलब ऑप्टिकल, GW से ग्राउंड वायर। ये ऑप्टिकल ग्राउंड वायर में क्या होता है, इसके बाहर का जो कवर होता है वो तो आपका ACSR का ही होता है, अल्मीनियम का ही होता है, और अंदर का जो वायर होता है वो इंटरनेट ले जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा इंटरनेट आ जा सकते हैं। तो आपके शहर में जो इंटरनेट आता है ना, वो इसी के ऊपर से आ जाता है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं। आपके गांव मोहल्ले शहर में आती है सर कि भैया हमारा वाईफाई कनेक्शन ले लीजिए, वो इन्हीं से लेके आई रहती है, या फिर उनका अलग से केबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें सस्ता पड़ता है कि भैया अर्थिंग की जरूरत थी, एक तीर से दो निशाना हो गया। और इसी के माध्यम से बिजली विभाग भी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में बातचीत कर सकते हैं। जब हम किसी पावर लाइन के द्वारा से कम्युनिकेशन करते हैं अर्थिंग पावर लाइन ऊपर वाले से, तो उसे कहते हैं पावर लाइन कैरिंग कम्युनिकेशन, PLCC। तो ये ऊपर वाले से आपका PLCC का भी काम हो सकता है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक मैसेज सिग्नल जो भी भेजना है भेज सकते हैं। अब समझिए, जो फेज, जो मेन करंट होता है वो ऊपर से नहीं जाता है, उसके आर्म से जाता है, और आर्म में टच नहीं रहता है। आर्म में टच हो भी गया ना, तो ऊपर का अर्थिंग तो उसे ग्राउंड कर देगा, लेकिन टच नहीं कराया जाता है, उसे सस्पेंस, ये जो इंसुलेटर है, अभी हम इंसुलेटर का टाइप बता देंगे, इस इंसुलेटर को लटका देते हैं और यहां से करंट को ले जाया जाता है, यहां से इस तरह से, ताकि ये इसकी बॉडी से टच ना हो सके, ये इंसुलेटर के द्वारा चला जाए। इंसुलेटर इस करंट को आने नहीं देता है। इंसुलेटर के बीच वाला भाग लोहे का ही होता है, लेकिन जो बीच में डिस्क लगी होती है साइड साइड में, वो चीनी मिट्टी की बनी रहती है, पोर्सिलिन की। आपको पता है करंट अंदर से नहीं जाता है, सर्कमफेरेंशियल यानी ऊपर ऊपर जाता है, तो करंट इसमें नहीं आ सकता है, इसको ऐसे आर्म से साइड में चला जाएगा। इंसुलेटर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे इसे सस्पेंशन टाइप कहते हैं, इसे स्ट्रेन टाइप कहते हैं, जब ज्यादा वोल्टेज रहता है तो इस तरह से ले जाते हैं, या घुमाव के टाइम पे इस तरह ले जाते हैं, और सीधे जब ले जाना रहता है तो सस्पेंशन टाइप पे ले जाते हैं। लेकिन किसी भी इंसुलेटर के